हेलो फ्रेंड्स, वन प्लस नॉट को कैसे रूट करना है वो हम इस वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो में सबसे पहले हम बूट लोडर को अनलॉक करेंगे, उसके बाद फ़ोन को रूट करेंगे और फिर रूटिंग के बाद ओटी अपडेट्स कैसे डाउनलोड करने हैं वो जानेंगे। सबसे पहले आपको फ़ोन की सेटिंग्स में जाना है, उसके अंदर आपको सिस्टम में जाना है और डेवलपर ऑप्शन को टर्न ऑन कर देना है। ये ओईएम अनलॉकिंग के पास होगा और ओईएम अनलॉकिंग को भी आपको इनेबल कर देना है। अब अगर आपको ओईएम अनलॉक मिसिंग है या फिर वो ग्रे कलर का है जो कि टर्न ऑन नहीं हो रहा है, तो एक बार चेक कर लीजिएगा कि आप गूगल अकाउंट से लॉग इन हैं और आपका इंटरनेट कनेक्शन जो है वो ऑन है कि नहीं है। अब हम वन प्लस नॉट को फास्ट बूट मोड में एंटर कराएंगे, तो इसके लिए सबसे पहले आप अपने फ़ोन को स्विच ऑफ कर दीजिए। स्विच ऑफ करने के बाद इसका वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन और पावर बटन, ये तीनों एक साथ आपको दबाए रखना है, तो आप जैसा स्क्रीन पे देख रहे हैं आप फास्ट बूट मोड में एंटर हो जाएंगे। इसके बाद हम प्लेटफॉर्म टूल्स फोल्डर को इंस्टॉल करेंगे, तो सबसे पहले आप इसको डाउनलोड कर लीजिए अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से, विंडोज़ है कि मैकिंटॉश है कि लिनक्स है। अब जब प्लेटफॉर्म टूल्स को आप डाउनलोड करेंगे, इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो आपको एक फोल्डर मिलेगा प्लेटफॉर्म टूल्स नाम से, ठीक है। इसको आप कोशिश करके सी ड्राइव में डालिए अगर आप विंडोज़ पे काम कर रहे हैं, और अगर आप मैकिंटॉश या फिर लिनक्स पे काम कर रहे हैं तब आप इसको डॉक्यूमेंट डायरेक्टरी के अंदर डाल दीजिए। इसके बाद हम प्रॉम्प्ट कमांड को हम लॉन्च करेंगे। विंडोज़ यूज़र को प्लेटफॉर्म टूल्स फोल्डर के अंदर जाना है, शिफ्ट दबा के रखना है और माउस का राइट क्लिक आप दबाएंगे खाली जगह पे, तो आपको ओपन पावरशेल विंडो का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। वहीं पे मैकिंटॉश और लिनक्स यूज़र जो हैं डॉक्यूमेंट डायरेक्टरी में जाके जो येलो कलर में कमांड दिख रहा है वो एंटर करेंगे, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा विंडोज़ यूज़र की, आपको कमांड डालते समय डॉट और बैक स्लैश का ध्यान रखना है, वहीं पे लिनक्स और मैकिंटॉश यूज़र्स को डॉट और फॉरवर्ड स्लैश का ध्यान रखना है। इसके बाद हम फ़ोन को कनेक्ट करेंगे अपने पीसी से, तो और चेक करेंगे कि ये कनेक्ट है कि नहीं है, तो फास्ट बूट स्पेस डिवाइस ये कमांड आपको पावर शेल में डाल देना है, और उसके बाद आपको कुछ स्ट्रिंग्स दिखेंगी जैसा कि येलो एरिया में मैंने मार्क करा है। अगर ये दिख रही हैं तो आपका फ़ोन कनेक्ट है, अगर नहीं दिख रही हैं तो इसका मतलब यूएसबी ड्राइवर्स में प्रॉब्लम है, आपको फिर से इसको इंस्टॉल करना है। फाइनली हम इसका बूट लोडर अनलॉक करेंगे वन प्लस नॉट का, उसके लिए आपको कमांड डालना है फास्ट बूट स्पेस फ्लैशिंग स्पेस अनलॉक, ठीक है। उसके बाद आपको एक प्रॉम्प्ट मैसेज आएगा, वॉल्यूम्स की से आप अप डाउन करके अनलॉक द बूट लोडर पर आ जाएंगे और पावर की प्रेस करके उसको कंफर्म कर देंगे, प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी और आपके वन प्लस नॉट का बूट लोडर सक्सेसफुली अनलॉक्ड हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट में हम इसकी रूटिंग करेंगे, तो रूटिंग के लिए आपको फिर से पावर शेल विंडो में कमांड प्रॉम्प्ट विंडो खोलनी है, विंडोज यूजर जैसा मैंने पहले ही बताया है, और जो मैकिंटॉश और लिनक्स यूजर हैं उनका भी मैं बता चुका हूं कि आपको डायरेक्टरी में जाना है प्लेटफॉर्म टूल्स फोल्डर की, और जो कमांड है वो येलो कलर में आपको दिख रहा है। अब इसके बाद आप स्टॉक बूट इमेज फाइल को डाउनलोड कर लीजिए। स्टॉक बूट इमेज फाइल एक कंप्रेस जिप पैकेज होता है, ठीक है। इसको जब आप एक्सट्रैक्ट करेंगे तो आपको उसके अंदर एक फाइल मिलेगी boot.img नाम से। इस फाइल को फोन के डाउनलोड फोल्डर के अंदर आप डाल दीजिए, हालांकि आप इसको कहीं भी डाल सकते हैं। उसके बाद ध्यान रखिएगा तीन बातें, कि जो बूट इमेज फाइल आपने डाउनलोड करी है वो आपके ऑक्सीजन ओएस से मैच होनी चाहिए, कोई भी प्री पैच बूट इमेज फाइल आपको डाउनलोड नहीं करनी है, और ये जो बूट इमेज फाइल जिसके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं ये केवल वन प्लस नॉट पे ही आपको यूज करनी है। अब हम स्टॉक बूट इमेज फाइल को पैच करेंगे मैजिक से, तो सबसे पहले मैजिक डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और उसको खोलिए मैजिक्स मैनेजर को। जैसे ही आप खोलेंगे तो आपको सेटिंग्स आइकन पे टैप करना है, उसके बाद आपको अपडेट चैनल दिखेगा, वहां पे आपको प्रेस करना है, फिर आपको बीटा दिखेगा, इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा, और फिर आपको बैक जाना है मेन स्क्रीन पे। मेन स्क्रीन पे आपको इंस्टॉल बटन दिखेगा, वो सिलेक्ट करिए, फिर सिलेक्ट अ पैच फाइल करिए। यहाँ पे जो फाइल हमने डाउनलोड फोल्डर के अंदर पेस्ट करी थी boot.img नाम से, वो फाइल आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है, और फिर आपको लेट्स गो कर देना है, तो आपका मैजिक्स मैनेजर जो है वो पैचिंग प्रोसेस स्टार्ट कर देगा। जब ये पैचिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी तो आपको फोन के अंदर डाउनलोड फोल्डर के अंदर एक फाइल मिलेगी magix_patch.img नाम से। इस फाइल को आपको कॉपी कर लेना है और अपने पीसी के प्लेटफॉर्म टूल फोल्डर में डालना है, विंडोज के केस में मैकिंटॉश और लिनक्स यूजर अपनी डायरेक्टरी में डालेंगे। फिर आपको फास्ट बूट मोड में वन प्लस नॉट को एंटर कराना है। ये कैसे एंटर होता है फास्ट बूट मोड में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसलिए अब वो प्रोसेस रिपीट नहीं करेंगे। अब हम फ्लैश करेंगे पैच बूट इमेज फाइल जो हमने डाउनलोड फोल्डर के अंदर डाली है, तो उसके लिए सबसे पहले तो फोन का कनेक्शन देख लीजिए वो कनेक्ट है कि नहीं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। फास्ट बूट स्पेस डिवाइस से आप चेक करिए, आपको स्ट्रिंग्स दिखने चाहिए, नहीं दिख रहा है तो यहीं पर रोक दीजिए, नहीं तो फोन आपका खराब हो जाएगा।
उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको एक कमांड डालना है, फास्ट बूट स्पेस फ्लैश स्पेस बूट स्पेस मैजिक्स अंडरस्कोर पैच डॉट आई एम जी नाम से। ये कहीं ध्यान से नोट कर लीजिए और ध्यान रखिए बिल्कुल भी मिसमैच नहीं होना चाहिए। इसको आपको पावरशेल विंडो में डाल देना है, जैसा कि आप देख रहे हैं पहले नंबर पे मैंने डाला है और एंटर करते ही मुझे दो नंबर पे देखिए दो बार ओके ओके आया, ये आपको भी आना चाहिए। इसके बाद जो है आपका फोन जो है फ्लैश्ड होना शुरू हो जाएगा। जब कंप्लीट हो जाए प्रोसेस तो पावरशेल विंडो में फास्ट बूट स्पेस रिबूट डाल के कमांड डाल दीजिएगा, आपका फोन जो है सक्सेसफुली रूट हो जाएगा। अब फोन आपका रूट हुआ है कि नहीं हुआ है, इसके लिए सिंपली आप मैजिक्स मैनेजर को लॉन्च करिए, वहां पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा चेक सेफ्टी नेट, इस पे क्लिक करेंगे, जैसे ही आप करेंगे आपको एक सक्सेस का मैसेज आ जाएगा। इसका मतलब वन प्लस नॉट आपका सक्सेसफुली रूट हो चुका है। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टेप में हम जानेंगे कि रूटिंग के बाद इसके ओटी अपडेट्स कैसे हमको डाउनलोड करने हैं, तो चलिए आइए अब वो शुरू करते हैं। अब दोस्तों आपको अपने फोन की सेटिंग्स आइकन में जाना है। आप जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको अबाउट फोन दिखेगा, अबाउट फोन पे आपको टैप कर देना है। उसके अंदर आपको बिल्ड नंबर दिखेगा, यहाँ पर आपको 5 बार टैप करना है। इसके बाद एक प्रॉम्प्ट आएगा पासवर्ड फोन लॉक का, तो आपका पिन पासवर्ड पैटर्न जो भी है वो आप एंटर करेंगे। उसके तुरंत बाद आपको एक मैसेज आएगा कि यू आर अ डेवलपर। अब आपको फिर से फोन की सेटिंग्स में जाना है, डेवलपर ऑप्शंस में जाना है और ऑटोमेटिक सिस्टम अपडेट ऑप्शन को इसको ध्यान से आपको डिसेबल कर देना है। उसके बाद आपको मैजिक्स मैनेजर खोलना है, अनइंस्टॉल को आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। फिर आपको चूज करना है रिस्टोर इमेजेस का ऑप्शन। इतना करने के बाद फोन की सेटिंग्स में जाइए, सिस्टम में जाइए, सिस्टम अपडेट में जाइए, नीचे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा डाउनलोड एंड इंस्टॉल नाउ, आपको उसको सेलेक्ट कर लेना है और आपको चेक करना है कि आपका जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वो शुरू हो जाना चाहिए, ठीक है। जब आपका इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो आपको रिबूट का मैसेज आएगा। यहाँ पे बहुत ध्यान रखिएगा कि आपको रिबूट नहीं करना है, क्योंकि हम ऑलरेडी स्टॉक बूट इमेज फाइल को रिस्टोर कर चुके हैं। अगर हमने यहाँ पे रिबूट कर दिया तो रूट एसेस आपका खत्म हो जाएगा, तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि इंस्टॉलेशन के बाद रिबूट नहीं करना है। फिर से मैजिक्स मैनेजर में जाइए, इंस्टॉल के बटन पर टैप करिए, उसके बाद आपको एक ऑप्शन आएगा इंस्टॉल टू इनएक्टिव स्लॉट आफ्टर ओटीए। ध्यान से मिला लीजिएगा कि आफ्टर ओटीए आना चाहिए। इसके बाद आपको लेट्स गो पे क्लिक कर देना है कन्फर्मेशन के लिए, तो आपका इंस्टॉलेशन प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाएगा। जब आपका इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाए तो मैजिक्स मैनेजर में आपको जाना है और वहां पे नीचे की साइड आपको एक रिबूट का ऑप्शन आ रहा होगा, आपको रिबूट पे प्रेस कर देना है। अब एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आपका ओटी इंस्टॉलेशन फेल हो जाता है या कोई एरर आता है तो इस केस में आपको लेटेस्ट ऑक्सीजन ओएस फुल रोम डाउनलोड करके फिर से इंस्टॉल करना होगा और जो पूरा प्रोसेस मैंने बताया है ये आपको रिपीट करना होगा। आपका वन प्लस नॉट इतना करने के बाद सक्सेसफुली रूट हो जाएगा। वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।